इन्वेस्टर मीट के बाद हिमाचल मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होंगे। इन्वेस्टर मीट के बाद आलाकमान से चर्चा होगी और मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शाम को धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट की तैयारियों का जायजा लेने पहुँचे। कांग्रेस पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ 6 से 14 नवंबर को धरने प्रदर्शन करेगी। इसमें कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल सहित प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि मोदी राज में सभी सेक्टर्स की दुर्गति हुई है। इन्वेस्टर मीट की जगह मंत्री और विधायक पिकनिक मना रहे हैं। प्रधानमंत्री का धर्मशाला आने का कोई औचित्य नहीं है। इससे अच्छा तो मोदी प्रदेश के लिए बड़े औद्योगिक पैकेज की घोषणा करते तो ज्यादा सही था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार वालों को सांत्वना दी और कुछ समय मंत्री परमार के साथ बिताया। याद रहे कि 23 अक्टूबर को विपिन परमार की माता का निधन हो गया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे। उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले विधायक विशाल नेहरिया और रीना कश्यप ने सोमवार को शपथ ली। विधानसभा भवन में अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दोनों विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। दोनों विधायकों ने अपने क्षेत्र में काम करने का दावा भी किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने पर बल दिया। दिल्ली में प्रदूषण का हवाला देते हुए शांता कुमार ने कहा कि प्रदूषण के बढ़ने पर एक बड़ा कारण आबादी भी है। वोट बैंक के चलते यहां कॉलोनियां स्थापित की गई, जो कि प्रदूषण का बड़ा कारण बनी। चीन ने आज आबादी कंट्रोल की है, जिससे प्रदूषण कम हुआ है। हालांकि उनका यह तर्क अटपटा सा भी लगता है। इन्वेस्टर मीट के चलते कांगड़ा के रोड रातों रात चमकाए जा रहे हैं। इसके चलते हर रोज बसों का नया रोड मैप बन रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है। इसके साथ ही शहर में काम के चलते भारी भरकम जाम भी लग रहा है और कॉलेज छात्रों को दिक्कतें आ रही हैं। यहां तक कि टाइम पर बसें न मिलने से छात्र खासे निराश हैं। अब कांगड़ा के लोगों का कहना है कि ऐसी इन्वेस्टर मीट हर महीने होनी चाहिए, ताकि सड़कें चकाचक रहें। बिलासपुर में गुंडागर्दी इस कदर बढ़ चुकी है कि यहाँ पुलिस वालों का भी दबंगों को कोई खौफ नहीं। यहाँ कुछ गुंडों ने नशे का हवाला देते हुए दो युवकों की बुरी तरह पिटाई की। यहाँ तक कि एक युवक की मां के साथ भी दबंगों ने दुर्व्यवहार किया। इसके साथ ही पुलिस पहुंची तो वे तमाशबीन बनी रही और गुंडे उन्हें पीटते रहे। इसके बाद मीडिया में इन युवकों ने अपनी आवाज उठाई और पुलिस प्रशासन से भी सवाल किए। 17 नवंबर को होने वाली पटवारियों की परीक्षा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में ऊना जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल सुविधाएं दी। जिला प्रशासन ने बताया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन जिला प्रशासन की साइट से भी रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को रोल नंबर नहीं मिलता है तो 13 तारीख को वो कानून शाखा में आकर रोल नंबर ले सकता है। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थियों को 10 बजे पहुंचना अनिवार्य होगा, ताकि फिजिकल वेरिफिकेशन हो सके। संजोली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में तेंदुओं की दहशत से लोग डर में हैं। इस बारे में वन विभाग को शिकायत भी दी गई है, क्योंकि यहां दिन दहाड़े तेंदुए गलियों में घूम रहे हैं। इससे पहले भी तेंदुए यहां एक महिला और कुछ जानवरों को शिकार बना चुके हैं। वहीं चंबा में भी तेंदुओं का एक शव बरामद किया गया है, जिसे शिकारी ने शिकार बनाया है। चंबा के तीसा मार्ग में सोमवार सुबह एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान गुड्डू राम निवासी कलहेल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।